गुड आफ्टरनून बच्चों, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पर सारा तैयारी हो गया है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है कि रहीम अपने पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारे आयु की 7 गुना थी। ठीक है, मेरी आयु तुम्हारी आयु के 7 गुना थी। कब? 7 साल पहले। फिर वो कहते हैं कि अभी से तीन वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो गई। तो इसको हमको बीजगणितीय एल्जेब्रिकली दिखाना है और ग्राफिकली दिखाना है। तो एल्जेब्रिकली बनाने के बाद में ही हम लोग उसको ग्राफिकली दिखा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा कि मान लिया रहीम की वर्तमान आयु। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है उसको बोर्ड पर निकालते हैं, ग्राफ को उसमें आपको ग्राफ में बना के दिखाएंगे। ठीक है, मान लिया रहीम की वर्तमान आयु परसेंटेज 1 वर्ष तथा उनकी पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष। अब इसमें देखिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 7 वर्ष पूर्व, तो फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्त क्या है कि रहीम जो है वह 7 वर्ष पहले, तो रहीम का उम्र कितना 7 वर्ष पहले कम होगा, कितना x-7, पुत्री का उम्र y-7। कौन बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है। हमको बैठाना है 7, यहां हम 7 बैठाएंगे। आप लोग को समझाए हुए हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या हो, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना, वो हमेशा छोटा वाला राशि के साथ बैठेगा, और अगर भिन्न में हो, फ्रैक्शन में हो, तो वो बड़ा वाला राशि के साथ में बैठेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ये हो गया 1x-7, 7y-39, x-7y साइड चेंज करेंगे, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, -7 + 49 = 0, x-7y + 42 = 0। ये हो गया हमारा पहला समाधान। तो यहां हम बनाएंगे टेबल 1, हिंदी में तालिका लिखते हैं, तालिका 1 या टेबल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग कम से कम 2 वैल्यू लेते हैं ना, x का मान 0 लेते हैं और एक बार y का मान 0 लेते हैं। यहां अगर हम x का मान 0 लें, ये देखिए, तो ये 0 हो गया, हमारे पास में क्या बचा है, -7y + 42 = 0, -7y = -42, y = 7 के पहाड़ा में 42 कितना बार है, 6 बार है 6। तो अगर x = 0 तो y = 6। ठीक, अब अगर y = 0 तो ये 0 हो गया, x + 42 = 0, x = -42। अगर y = 0, x = -42। ये तालिका 1 हमारा तैयार है। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त या दूसरा शर्त भी लिख सकते हैं, द्वितीय शर्त।
अभी से 3 वर्ष बाद, मैंने अभी वो कम उम्र के आयु उनका क्या मांगे हम लोग एक्स, और 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा इनका आयु 3 साल बढ़ जाएगा, तो एक्स प्लस 3 पुत्री का वाई प्लस 3 होगा, 3 गुना है। तो फिर छोटा वाला बेटी के साथ में हम लोग ये 3 को गुना करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक याद रखेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बैंकिंग वगैरह में इस तरह का सवाल आता है, उसको ये बहुत काम आएगा। एक्स प्लस 3 वाई प्लस 9 एक्स माइनस 3 वाई प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0 एक्स माइनस 3 वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 अभी हो जाएगा हमारा टेबल 2। तालिका 2 फिर से तरह एक्स और वाई, फिर हम लोग लेंगे एक्स इक्वल टू 0। अगर हम एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास में क्या बचता है, हमारे पास में बचता है माइनस 3 वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 3 वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो यदि एक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अगर वाई इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास में बचता है एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 6। अगर वाई इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्स इज इक्वल टू 6। हमारा ये हो गया बीजगणितीय, और इसको हम लोग ग्राफ कॉपी में बैठाएंगे तो हमको 2 ग्राफ मिलेगा। जैसे 9 में किए था तो 9 में सिर्फ एक ग्राफ मिलता था ना, एक स्ट्रेट लाइन मिलता था, एक सरल रेखा मिलता था। उसी एक्सिस में हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग को 2 सरल रेखा मिलेगा, ये 2 बिंदु 2 निर्देशांक से, ठीक है। किस तरह से होता है मैं अभी आप लोग को ग्राफ कॉपी में दिखाता हूँ। तालिका 1 और तालिका 2 को सुविधा के लिए कॉपी में लिख लेता हूँ। एक्स वाई 06 माइनस 42 0 तालिका 1 एक्स वाई तालिका 2 0 माइनस 2 6 0। ये देखिए ग्राफ कॉपी है, ग्राफ कॉपी में आप लोग भी पास होगा। सबसे पहला काम करेंगे कि हम इकाई का चुनाव करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए एक बड़ा इकाई है मिला हुआ हमको, कितना माइनस 42। तो हमको करना क्या पड़ेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि किस घर में इसको बैठाएंगे, उसी हिसाब से हमको इसमें घर का चुनाव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब चूंकि x के घर में 42 है, ठीक है, x के घर में क्या है 42 माइनस में है, और यहां क्या है 0। तो हम जानते हैं कि x का इधर सारा प्लस होता है, ऐसा माइनस होता है। घर कितना है देखें हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 25 80 घर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 हम लोग बीच में ले लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। कॉपी जो है उसमें ये इधर ज्यादा है इधर कम है, तो हम इधर ले लिए, क्योंकि हमारा घर क्या है 42 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, तो हम क्या करेंगे आधा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे ले लेते हैं। इसमें आप लोग कलम का उपयोग गलती से भी मत कीजिएगा,
इसमें आप लोग हमेशा पेंसिल का उपयोग कीजिएगा, कलम से पॉइंट भी नहीं लिखना है। ये 9 में बताया था, मैंने फिर याद दिला देता हूँ, ग्राफ में कलम का उपयोग वर्जित है। ये सब लिखने के लिए कलम का यूज कीजिएगा, कॉपी में, ग्राफ कॉपी में नहीं लिखना है। इस रेखा पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से खींच लेंगे। इधर का कोई बात नहीं, इधर 6 है, 0 है, -2 है, ये है, इधर के लिए कोई बात नहीं, हम लोग बीच में ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक्स, ये ओ, ये एक्स डैश, ये वाई, ये ओ और ये वाई डैश, हमारा अक्ष रेखा तैयार है। अब हमको बिंदु बैठाना है, क्योंकि हम लोग 1 सेंटीमीटर को एक छोटा वर्ग को, ये एक छोटा वर्ग हो गया, देखिए ध्यान से, ये हो गया एक छोटा वर्ग, इसको 1 गिनेंगे। ठीक है, कभी कभी हम लोग को मान बदलना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा, कभी कम भी लेना पड़ेगा, ज्यादा भी लेना पड़ेगा। अब 0 है तो 0 आपको बताया गया था, ये 0 हो गया, x का मान 0 है, तो यही रेखा होगा y एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस y, इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस y इक्वल टू 0, y पर 0 हो गया, और 6 है तो ऊपर जाएंगे हम लोग, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, -42, तो माइनस हम लोग इधर जाएंगे, तो देखिए मैंने 5 घर पर लिया है, तो 5 घर गिनेंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40, 40 हो गया, ये 2 घर के बाद में 42, -42 0। ठीक है, इसको स्केल के सहायता से, बड़ा स्केल के सहायता से इसको हम लोग मिला देंगे। अब आएंगे हम लोग, इसको बनाने के बाद में इसको खींच दिए, हमारा ये काम हो गया, ये रेखा का नाम दे देंगे हम लोग ए, और ये हो गया हमारा बी, -0 -2, तो ये 0 हो गया, और -2 नीचे जाएगा, 1 2 घर, ये बिंदु हुआ, 6 0 5 1 6, और ये हो गया 0। ये हम लोग को कटान बिंदु मिला, ये कटान बिंदु जो है, ये कटान बिंदु मिला हम लोग को, 5 10 15 20 25 30 35 40 41 42 और ये 12 के घर पर मिला, यानी पिता का उम्र, रहीम जी का उम्र हो गया 42 साल और उनके पुत्री का उम्र हो गया 12 साल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ग्राफ को बनाइएगा, बना के कॉपी में मुझे दिखाइएगा। ठीक है।